नाजरीन, जब हम अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस की सिलेक्शन करते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे इवेंट पे जब हम जा रहे हैं, घर का इवेंट हो, दोस्तों का हो, बाहर हो, कॉफ़ी पे जाना हो या कहीं भी जाना, इवन कि आपने अपने ऑफिस भी जाना हो, तो जाहिर है जब आप अच्छे लिबास पहन रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि जो आपका मेकअप हो वो भी अच्छा होना चाहिए। अब आप हर वक्त तो सैलून नहीं जा सकते छोटे छोटे इवेंट्स के लिए, या अगर आपको अपनी गैदरिंग में जाना है, फ्रेंड्स गैदरिंग है, तो भी आप हर वक्त सैलून से जाके तैयार नहीं हो सकते। तो आपको अगर मेकअप करना है तो आपको कौन से ऐसे SOPs हैं जिनको फॉलो करना चाहिए मेकअप करते हुए, और कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे पास सारा मेकअप, सारी प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी वो हमारा मेकअप उतना अच्छा नहीं हो रहा होता जितना हमें अच्छा चाहिए होता है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या जो बेस होती है वो तमाम स्किन पे इस्तेमाल की जा सकती है, या आपकी जो बेस का जो कलर है क्या वो आपकी स्किन के टोन के कलर से थोड़ा हाई होना चाहिए या थोड़ा लो होना चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूटिशियन रूबी इमरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रूबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रूबी। जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी, अब हर वक्त आप मेकअप करवाने के लिए सैलून भी नहीं जा सकते, ठीक है, आपके घर की शादी हो या आपकी अपनी शादी हो तो ऑफकोर्स आपको मेकअप के लिए सैलून जाना पड़ेगा, अपने आपके जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके पास जाना पड़ेगा। तो आज पहले तो हम बात करेंगे कि वक्त के साथ साथ मेकअप में इतनी ज्यादा चीजें आ गई, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं कि आपकी मेकअप वैनिटी जो इतनी हुआ करती थी वो पूरी ब्रीफकेस बनना शुरू हो गई है। तो क्या तमाम चीजें ही इस्तेमाल करना जरूरी होती है? नहीं, इस तरह नहीं है, डिपेंड के किस तरह की आपको स्किन पे कैसा मेकअप चाहिए। कोई ग्लैमरस मेकअप है तो डेफिनेटली आप उसी तरह से जाएंगे, अगर कोई नॉर्मली है, और इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए। इन है, अभी आपने जैसे बेस की बात की, तो हम लोग हमेशा ये कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को ये ज़रूर बताते हैं कि खुदारा इससे निकल आए कि आपका कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप उसको सफ़ेद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि आपकी बेस बिल्कुल ग्रे होना शुरू हो जाती है। हाँ। अपनी स्किन से आप एक या दो कलर लाइटर जाएं। देखिए, बेसिकली स्किन की केयर करें, अगर आपकी स्किन खूबसूरत है, अच्छी है, उस पर आप जितना कम से कम मेकअप यूज करेंगे वो उतना ही ज्यादा। इट डिपेंड्स कि सारा मेकअप लगाना जरूरी नहीं है। हाँ। ये जरूरी है कि आपको कितनी अपने काम की समझ बूझ है, आपको कितना पता है कि मैंने कलर्स के साथ कैसे खेलना है, और उसमें से मैंने इसको, जैसे एक आपके पास एक कैनवस है, मेकअप भी ऐसी चीज है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से वो लेके चलना है। और मेरा ख्याल है कि मेकअप तमाम लोग नहीं कर सकते, एक ये बहुत ही एक हुनर है, और आप पूरे कलर्स को आंखों पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हर बंदा एक्टर नहीं हो सकता, हर बंदा डिजाइनर नहीं हो सकता, उसी तरह हर बंदा मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकता। देखिए, जब आपने लव्स आर्टिस्ट बोल दिया तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि बेसिकली आर्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप हर तरह का मेकअप खुद नहीं कर सकते। रूबी, थोड़ा बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आपकी जो बेस है आपके कलर के टोन से हाई एंड लो होनी चाहिए, डिपेंड करता है। अगर हम एशियंस हैं, हमारे कलर बहुत ज्यादा वाइट नहीं होते, हाँ केयर करते हैं तो आप नीट की तरफ चले जाते हैं। तो जब आपको बेस बाय करनी है, हमने ये प्रैक्टिस लोगों की देखी है कि वो हाथ पे ट्राई करते हैं, नहीं, तो क्या बेस आपको फेस पे? आप देखिए, आप गए हैं किसी शॉपिंग मॉल पे, गए हैं किसी भी मेकअप आप शॉप पे गए, आपने परचेज किया है, आप बेस को सबसे पहले अपनी इस जगह पे, लोग हमेशा यहाँ लगाते हैं, यहाँ और यहाँ में कभी भी नहीं आप करें, आप इस जगह पे अपनी बेस लगाएं, और जैसे मॉल वगैरह में आप शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर टाइम दें खुद को, ठीक है, आप देखेंगे कितने में आपको आधे घंटे घंटे बाद आपको खुद ब खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि आया ये बेस आपके फेस पे सही जा रही है, नहीं जा रही है। और मैक्सिमम, जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक या दो टोन उससे लाइटर जाएं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस बहुत गलत है कि हम हर चीज को अपने हाथ पे वो चेक करना शुरू कर दें। बिल्कुल, क्योंकि हाथों का कलर और फेस का कलर डिफरेंट होता है, बिल्कुल फर्क होता है। कुछ लोगों की फेस ज्यादा नीट होते हैं, हाथ नहीं होते, कुछ लोगों के हाथ बहुत नीट होते हैं, फेस इतना नीट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा रूबी, थोड़ी बेस के हवाले से बताए, क्या कोई ऐसे ट्रिक्स हैं अप्लाई करने के जिससे जो आपकी बेस है वो लॉन्ग टाइम चल जाती है? बिल्कुल है, सबसे पहले मैं फिर वही बात करूंगी कि आप अपनी स्किन को अच्छा से प्रेप करें, स्किन की रूटीन एक रखें, स्किन की केयर करें एकदम। हमारे यहाँ आपने हर वक्त वैया वाली बात है कि हर वक्त आप सैलून नहीं जा सकते। हाँ, सबसे पहले अपनी स्किन की एक रूटीन रखें, जब आपकी स्किन अच्छी है, मेकअप करना कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने मेकअप करना है, थोड़ी देर पहले आप अच्छी सी थोड़ी सी स्क्रबिंग कर लें, उससे ये होता है कि आपका जितना एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके बाद आप कोई भी मास्क उस पर अप्लाई कर लें,
कुछ टाइम के बाद आप आजकल जैसे प्राइमर है, प्राइमर कब क्या है बेसिकली? प्राइमर बेसिकली आपकी स्किन को एक प्रेप कर देता है, ठीक है, उसको एक सरफेस दे देता है आपकी बेस को, और वो ज्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और वो आपको अच्छी उसमें। अब ये बहुत चीज काउंट करती है कि लोगों को ये समझ नहीं होती है कि अगर स्किन ऑलरेडी आपकी डिहाइड्रेट है उसके ऊपर आप बेसिस लगाते जाएं, कई आपने देखा होगा कि बेस फट गई, बेस फट गई, वो यही रीजन होती है कि एक तो आप अपने कलर के हिसाब से मैचिंग नहीं कर रहे होते मेकअप का, दूसरा है आप अपनी स्किन को उस हिसाब से प्रेप नहीं करते हो। अगर आप प्रेपिंग अच्छी हो, वही वाली बात है कि अगर आप कोई भी घर बना उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो खुद ब खुद ऊपर अच्छे हो, इसी तरह से बेस का भी होता है। हाँ, मतलब आपको बेस अप्लाई करने का एक तरीकाकार भी होता है, बिल्कुल, आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे लॉन्ग लास्टिंग आपकी बेस हो सकती है। जैसे रूबी ने बताया कि आपने जब अपनी बेस बाय करनी है तो आप कोशिश करें कि जब आप अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं तो आप एक आधा घंटा अपनी स्किन को दे दें, मतलब दूसरे काम करके वापस उसी शॉप पे आ जाएं जहां से आप मेकअप प्रोडक्ट आपने बाय करें, देन आप देखें कि आपकी स्किन कैसी है। रूबी, हमारे यहाँ कॉन्टोर करना, कंसील करना, हाईलाइट करना, मतलब बहुत सी ज्यादा बहुत प्रोडक्ट आ चुकी है, इतनी ज्यादा कि कुछ लोगों को तो अब इवन कि हमें भी वो नाम ही नहीं आ रहे होते कि अच्छा ये किस लिए अप्लाई होता होगा। आपको याद होगा वो दौर जब लिपस्टिक से आंखों पे भी लगा देते थे, चिक्स पे भी लगा देते, बहुत से लोग लगाते हैं देते हैं ना, बिल्कुल। तो अभी अभी थोड़ा उसको चेंज कर दिया गया है जीरो मेकअप के नाम पे कि हम जीरो मेकअप कर रहे हैं। भाई मेकअप जो लगे ना मेडअप टाइप चीजें हो जाती है ना कि आपके फेस पे नहीं होता। देखिए, जब हम लोग कहते हैं ना जीरो मेकअप, जीरो मेकअप में लोगों को लगता है कि जी मेकअप होता है, सब कुछ होता है, कंसील भी होता है, कंटूर भी होता है, होता है कंटूर भी होता है, कंसील भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वो जो है कि फुल फेस कवरेज वाला मेकअप नहीं होता। अच्छा, लेकिन लगता सब कुछ है, माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है। अब आपने जैसे कंटूर का की, कंटूर की बात, कंटूर क्यों जरूरी है? आपने बेस लगाई, आपके पास बिल्कुल जो है ना वो समझ ले कि आपके फीचर्स को बिल्कुल एक दब गए, अब आपने उसको फ्लैट हो गया ना आपका फेस। अब आपने जिस तरह उसको फ्लैट फेस को आपने उसको कंटूर करेंगे प्रॉपरली, जब कंटूरिंग करेंगे खुद ब खुद आपके फीचर्स इनहेंस होंगे। हमें पता होता है कि अगर किसी का फेस चबी है तो हमने लाइक किस तरह कंटूर करना है, नोज को हमने कैसे कंटूर करना है, किस तरह फीचर्स को, आईज को कैसे प्रोमिनेंट करना है। कंसीलर का बेसिकली कंसील ने वहां पे उन एरियाज को हम लोग ज्यादातर जिनको हाईलाइट करना है हमने वहां पे कंसीलिंग की जाती है, उसके बाद हम लोग हाईलाइटर। अब यूज आजकल आपको पता है कि हाईलाइटर्स का दौर है, हाईलाइटर्स बहुत यूज हो रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि अब आप उस हिसाब से, फिर मैं बार बार कहूंगी कि अपने फेस के हिसाब से आप जाएं, अकॉर्डिंगली योर फेस आप मेकअप पे जाएं, बेस पे जाएं, कुछ भी आपने करना है। और याद रखें, जितना आप कम से ज्यादा पे आए, आप इवन अपनी आईज पे भी करने लगे हैं, एकदम अगर आप डार्कर से जाएंगे तो आप मैनेज नहीं कर सकते, जितना आप लाइटर से डार्कर पे जाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा। अच्छा, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा रूबी, आपको पता है कि आजकल इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बहुत से लोगों ने अपने स्टूडियोज बना लिए हैं, मतलब जो बाकायदा सर्टिफाइड वो जो ब्यूटिशियंस नहीं होते उसके बावजूद उन्होंने अपने मेकअप स्टूडियोज बना लिए, मेकअप करके ट्यूटोरियल देख देख के। तो मुझे बताइएगा, ट्यूटोरियल से आप काफी चीजें सीख सकते हैं अपने लिए, या इतना सीख जाते हैं कि आप सैलून बना लें? देखिए, मैं फिर वही आपसे बात करूंगी कि बेशक आप अच्छे ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, लोगों ने अपने स्टूडियोज बना लिए हैं, लेकिन देखिए जो एक एक्सपीरियंस है, जो एक महारत है, अगर आपने, अब मैं अगर बात करूं, मुझे मेकअप इंडस्ट्री में 18 साल हो गए, 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोगों ने अगर इतना टाइम हमने मुख्तलिफ सीखा है, आगे काम किया है मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ आपने मॉडल्स के साथ मीडिया में आप काम करते हो, तो खुद ब खुद आप जो है वो पॉलिश होते जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप एकदम ट्यूटोरियल से आप जो है वो एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के लेवल पे जा सकते हो, तो देखिए प्रोडक्ट्स होना आजकल के दौर में मुझे लगता है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि कोई भी इंसान इजीली मैनेज कर सकता है, लेकिन फिर भी वही बात है के उस्ताद ही होता है। आप ये कहें कि ऑनलाइन पढ़ाई को आप रेगुलर पढ़ाई के साथ कर सकते हैं तो नॉट ऐसा नहीं होगा, मतलब कि ठीक है आप किसी हद तक सीख लेते हैं कि आप अपना मेकअप खुद कर सकते हैं, तो क्योंकि जब आप पैसे पे कर रहे होते हैं ना एक आर्टिस्ट को, जब आप सैलून जा रहे होते हैं तो फिर आपने मैनेज नहीं कराना होता, आपको हर चीज प्रॉपर एबिलिटी के, आप उसकी एबिलिटी के उसको पे कर रहे होते हैं और उसको पता है कि मैंने हर बंदे को जिस तरह होता है कि जिसका जो काम है। हाँ, ये जरूर है कि ट्यूटोरियल से आप बच्चियों को बहुत सेंस है, बहुत अवेयरनेस है, वो अच्छी चीज है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है कि आप जा रहे सैलून तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल सकते हैं कि अब आप कोई भी फंक्शन है तो आप उसके लिए बिल्कुल आवो हो गए। फिर वही मैं बार बार हमेशा सब बच्चियों को भी ये बात कहती हूँ कि बेटा अपनी रूटीन में अपनी स्किन को
एक्सक्यूज मी, अपने बालों को रूटीन में आप उनकी बहुत ज्यादा केयर करो। हाँ, और दूसरी बात ये कि हाँ, अच्छी चीज है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है और जब आप अपने आर्टिस्ट के पास जाते हैं मेकअप करवाने, तो एटलीस्ट आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये चीज सूट करती है, ये चीज सूट नहीं करती है, मेरे ख्याल ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। रूबी, थोड़ा ये भी बताइएगा कि ओके फाइन, आपने और जैसे मैंने कहा कि बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, बेशुमार हैं, एक एक अलग अलग ब्रशेज इतने खूबसूरत आ चुके हैं, तो क्या रूबी को ये लगता है कि तीन चार चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके बैग में या आपके वैनिटी बॉक्स में हो, उसे आप अच्छे से मेकअप कर सकते हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो आपने ब्रशेज का कहा, आपके ब्रश बेसिकली आपके टूल्स हैं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए। हाँ। उनके बगैर हाँ, लेकिन अब ये है कि जैसे आपके पास लाइट सा कोई कॉम्पैक्ट पाउडर हो, कोई बीबी क्रीम आजकल बहुत इन है और हाँ। वो बहुत सॉफ्टली आप लगा सकते हैं, और डिपेंड करता है एक मस्कारा, लाइनर और एक लिपस्टिक हो, तो वही वाली बात है कि आप लिपस्टिक चेक्स और माइल्ड से उसको सॉफ्टली आप करके हैंडल कर सकते, मतलब कर सकते हैं कि आपके मिनी जो है वो होना चाहिए। और आजकल टिंट का बड़ा फैशन आ गया है कि आप चिक्स पे, लिप्स पे और इवन कि आईज वाला भी आ चुका है। हाँ, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, टिंट से ये होता है कि आजकल जैसे आप ज्यादातर बच्चियों में देखे मेकअप का बहुत रुझान है, और लेकिन हम लोग उनको यही हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप टिंट्स यूज करें। टिंट से ये कि आप एक तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा वो नहीं लगती है कि आपने बहुत कुछ शार्प मेकअप किया हुआ है, कुछ भी एक नेचुरल लगती है और एक आपकी ब्यूटी और खूबसूरती भी लगती है। टिंट अगर आपने टिंट एक बड़ा मैं सिंपल सा थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप कुछ भी घर में आजकल चुकंदर बहुत आम है बीटू, हाँ, बिल्कुल उसका, बिल्कुल उसका जूस निकाल लें, उसका थोड़ा सा ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आपके लिप्स के लिए, आईज के लिए, चीक्स के लिए बहुत अच्छा टिंट बन जाए। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, मतलब कितनी जबरदस्त बात है कि ना, आपको टिंट बनाने का तरीका भी बता दें कि घर में बना लीजिए ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक, जब आप घर में चुकंदर, ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल मतलब उसको बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रूबी आपका। नाज़रीन, यह वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।